विजय भाई तो सवेरे सवेरे उठ के अपना वॉक भी कराया यार, ये लोग अभी तक उठे नहीं है, हमारे दूसरे रूम वाले साथी सो नहीं रहे, ये तो अभी उठाए हैं। उठे हाँ जी, ऊपर तक देख क्या क्या है। हाँ हाँ ये तो अभी अपनी वॉक और कंप्लीट कर रहे हैं। चल, और जो इस साइड है इन लोगों के न्यू कोटेज हैं, उधर तो रूम्स थे वो सारे पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, ये नई कंस्ट्रक्शन है। तो आप लोग कभी भी आओ तो इनको बोलो कि हमें जो कोटेज टाइप में है वहाँ पे दो, उधर ज़्यादा अच्छे से है। ये देखो इनकी लुक थोड़ी मॉडर्न है पर ये बने अच्छे हुए हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं यहाँ पे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ना सोफे वगैरह लगा रखे तो अच्छे लग रहे हैं, व्यू भी अच्छा है यहाँ से ना, थोड़ा ऊपर है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल संजू गाय ट्रैवलर। आज के इस व्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आई बिलीव आप लोग बढ़िया होंगे, हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं, एंजॉय कर रहे हैं और नई डेस्टिनेशन की तरफ अब जा रहे हैं। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद एक नई डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, वो डेस्टिनेशन मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बने रहिए, स्टे ट्यून विद अस। ब्रेकफास्ट ले लिया हम लोगों ने, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं, दो अंडे कुछ सॉसेज दही और आलू की सब्जी ली है, एक एक परौंठा ले लेंगे इसके साथ और फिर इसको एंजॉय करेंगे। ये देखो गोल्फ कार्ट आ गई हमारी, सामान इस पे रख दिया है, अब जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ और निकलते हैं नई डेस्टिनेशन की तरफ। नई डेस्टिनेशन है नैनीताल, आज एक वन नाइट स्टे हम नैनीताल में करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो इस प्रॉपर्टी से विदा लेने का समय आ गया हम लोगों का, निकलते हैं नैनीताल की तरफ और देखते हैं, मेरे ख्याल से अराउंड 2.5 घंटे की जर्नी होगी, 100 किलोमीटर है यहाँ से इस प्रॉपर्टी से लेके वहाँ तक, और अच्छा रिजॉर्ट है, आओ ठहरो यहाँ पे एंजॉय करो। नाम है सलोना, सलोना रिजॉर्ट। एक तो क्या है ना, सिटी से दूर है, सबसे बढ़िया चीज़ क्या, सिटी से दूर होना, और दूसरा ब्रेकफास्ट डिनर और आपका टी स्नैक्स वगैरह ये सब इंक्लूडेड है आपके पैकेज के अंदर। तो आओ और एंजॉय करो और क्रिकेट खेलो। अभी बीच में रुक गए हैं यहाँ पे ना, स्ट्रीट पे ना फूड मिल रहे थे, हमने बेर लिए हैं, बेर पता नहीं आज कितने सालों बाद बेर खाऊंगा मैं, मेरे को तो याद भी नहीं, 15-16 साल से ज़्यादा हो गए होंगे जब ये इंडिया में थे, जब भी बेर खाए थे एक दो बार ही वहाँ खाए, वो सब फ्रोजन बेर होते थे वो खाए, लेकिन मज़ा नहीं आता फ्रोजन में ना। बेर खाने चले हैं अभी हम लोग, बेर खाएंगे आज, कितने सालों के बाद बेर दिखाई दिया है। ये देखो यार हम नैनीताल वाले पहाड़ पे चढ़ चुके हैं और सब जगह लैंडस्लाइड हो रखी है पूरा का पूरा। हम आए हैं इधर से रामनगर से होते हुए काला डुंगी से हमने ऊपर नैनीताल के लिए चढ़े हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर एरिया में ना लैंडस्लाइड हो रखी है, रोड धसक गए। ये सितंबर अक्टूबर में जो लगा था 3-4 दिन की बारिश आई थी उसकी वजह से, ये देखो। और ये हमारा जो ड्राइवर है ना मिस्टर भाटी, ये एक नंबर ड्राइवर है भाई साहब। अभी ना नीचे पूरी लैंडस्लाइड हो रखी थी, सब कुछ टूटा हुआ था, बड़ा भयंकर उसमें वो था और कोई सपोर्ट नहीं थी, और उसके राइट साइड में एक हल्का सा गड्ढा गया, उस गड्ढे को बचाने के लिए वो उसने उसके अंदर कुदा दिया होता हमें उस साइड टर्न कर दिया एक कुछ ऐसा था और इसने उसी साइड में टर्न ले रहा है मैंने कहा भाई ये छोटा गड्ढा देखा जाएगा पर इसमें तो हमारा ही गड्ढा खुद जाएगा। अभी ना हम लोग ना सीधे जा रहे थे, हमें जाना था दूसरी तरफ, हमें ना लेफ्ट में एक वैन दिखाई दी जो कि बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, इसके ऊपर सिटिंग एरिया है, तो हमने सोचा इस पे रुक के चाय पी जाए, रूफ टॉप पे बैठते हैं और चाय पीते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, कभी इधर आओ तो रुको। ये है काला डुंगी और नैनीताल के बीच में, ये देखो यार बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा आपको चाय और स्नैक्स वगैरह और क्या क्या मिलता है भाई तुम लोगों के पास, खाना भी होता है, आमलेट वगैरह भी,
अच्छा ऑमलेट वगैरह ब्रेकफास्ट टाइप में कुछ खा सकते हो आप। वाह, इसका नाम है फूड क्लासिक। चलो भाई अब स्टेज चलते हैं, मैं चलो ऊपर से दिखाता हूँ आपको ना व्यू। ओ तेरी, ये गए हम ऊपर, हम ऊपर चढ़ गए। और पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये देखो सीटिंग अरेंजमेंट है ऊपर, बड़ा मज़ेदार जगह है, गिरने का कोई चांस नहीं, साइड में स्पोर्ट है। ये देखो मेरे पीछे बहुत ही बेहतरीन लग रही है, मज़ा आएगा यहाँ चाय चूय पीने का ना, एंजॉय करते थोड़ी देर फिर चलेंगे। चाय आ गई है स्टील के गिलासों में, अब इसको जरा एंजॉय कर लेते हैं चाय को। क्या मज़ेदार, देखो ना क्या व्यू है और क्या चाय है, सुभान अल्लाह। नैनीताल पहुंच गए हैं, वो सामने देखो नैनीताल का साइन, अरे हट जा। और भाई बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे काफी, इसको बंद करो यार। ये देखो बच्चे बर्फ पे खेल रहे हैं, ये देख मनीष आई लव नैनीताल का साइन देख लो। तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, आई लव नैनीताल तोड़ दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया। पानी तलब आलब है, ये देखो यार स्नो तो बहुत गिरी हुई है यहाँ नैनीताल। मैंने तो पहली बार देखी, मैं पहले बहुत बार आया हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी 15-16 साल बाद 17 साल बाद आया मैं। जय श्री राम। सो गाइस देखो मेरे पीछे है नैनीताल लेक है, वो पीछे पूरा माल रोड दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे फंस चुके हैं। नेविगेटर ने हमें फंसा दिया गलत रास्ते पे और रास्ता है बंद, आगे से बंद है, अभी वापस मोड़ के जा रहे हैं। देखो और मोड़ने की कोई जगह नहीं है, मैं दिखाता हूँ देखो कैसा रास्ता है, अब यहाँ से कैसे मोड़े, बर्फ़ भी पड़ी है, अब तो बैक करके लेके जानी पड़ेगी धीरे 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 धीरे। ये सामने बंद हो गया, मैंने बंद कर दिया, नेविगेटर हमें यहाँ लेके आया। कभी भी भरोसा ना करो इस कांता बाई पे, यह देखो गली देखो, बस इस गली में से वापस जाना पड़ रहा बैक, अब पता नहीं कहाँ मिलेगा इसको मोड़ने का, देखते भाई क्या होता है। जब तक यार तुम लोग ना इसको क्या कहते हैं नैनीताल को एंजॉय करो, इसकी लेक को पूरी लेक। ये लोग वहाँ बोटिंग कर रहे हैं, ये हमारा ड्राइवर भी तो नकली है। एक नंबर ड्राइवर है, एक नंबर, टेंशन मत ले तू, बहुत बढ़िया कर रहा है लौंडे, एक नंबर ड्राइवर तू। अच्छा करेगा भाई साहब की गाइडेंस, पीछे से वो सुन तू सारी, वो गाइड कर रहे हैं जो सुन, उनको फॉलो कर। अबे क्यों मोड़ रहा भाई, तू सीधा रख उसको टायर को। एक नंबर ड्राइवर भाई साहब, ये आने आने बच्चे आने दे आने दे आने दे आने दे जाने दे। अब बड़े ड्राइवर बैठ गए हैं, छोटा ड्राइवर हटा दिया गया है। यार ये भी सही फन है यार, ये ड्राइवर देखो, ड्राइवर साहब नीचे आ गए हैं, दूसरा ड्राइवर बैठा है, ये कुछ करेगा भाई। यार कसम से ये तो ना यहाँ से ही, यहाँ से तो मुड़ जाएगी यार, ये तो काफी जगह है ये भाई, ये पूरी जगह है, इसमें क्या यार, ये बड़े ड्राइवर हैं सारे, मैं कसम से अभी तक ना मोड़ मार के इसको कहीं का कहीं ले जाता इस गाड़ी के। 2000 years later और भाई ये माल रोड पे आ गए हैं इसके नैनीताल के, उससे पहले गाड़ी का टैक्स देना होता है, 100 रुपये टैक्स लगा हमारा, मैं अभी $100 बोलने वाला था पर 100 रुपये टैक्स लगा है। तो ये माल रोड है, ये तो शुक्र है माल रोड करते हैं कई बार। हाँ जी,
टाइमिंग होता है ना राजभवन, इवनिंग के टाइम शायद इसको फिर बंद कर देंगे। अभी डे टाइम है ना, सवेरे सवेरे खुलती है फिर शाम को बंद कर देते हैं। याद आ गया यार जमाना भाई, पता नहीं होटल कहाँ है। जब तक आप स्नो को एंजॉय कीजिए, बर्फ को, स्नो तो क्या है, अब तो बर्फ हो गई है पड़ के नीचे, इसको एंजॉय कीजिए। मेरे ख्याल से एक या दो दिन पहले ही पड़ी है। पापा कर ले, और तू कर ले पापा। ये जो होटल हमने किया है ये मॉल रोड से थोड़ा ऊपर की तरफ है, उनकी शटल है, शटल से हमें वापस मॉल रोड छोड़ देंगे या पिकअप कर लेंगे। तो अपन वही चलते हैं मॉल रोड पे, तो वैसे भी मारा मारी है, फिर तुम्हें गाड़ी अपने आप लगानी पड़ेगी। स्नो ही स्नो है इधर तो, बढ़िया यार। कितनी बर्फ गिरी है रे बाबा, जबकि ये सीजन भी नहीं है बर्फ का, भी तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। राइट 20 मीटर से राइट, ये राइट अब यहाँ जाना है या इधर है तू बता क्या है। A few moments later, तो ये हमने एक होटल किया है, काफी ऊपर आके है लेकिन होटल अच्छा लग रहा है। नाम है इसका विक्रम इंटर, ये ऐसे कुछ इसकी एंट्रेंस है और हमारा है सेकंड फ्लोर पे। चलो मैं दिखाता हूँ, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, रूम चेक करते हैं कैसे हैं। वहाँ पे है कहीं हमारा, टॉप फ्लोर से अच्छा व्यू आएगा इसलिए हमने टॉप फ्लोर लिया है। हाँ जी आगे, एक नंबर लिया है, एक नंबर का होटल है 201। और भाई ऐसा है कुछ, कौन सा बेड है अपना, ये सिटिंग के लिए सोफा है वो दूसरे वाला देख सामने, कौन से वाला लेना है हम देखते हैं जी। इसमें आते हैं भाई है? इसमें इसमें हाँ ये ठीक है अपने लिए, बालकनी ज्यादा क्लोज है ना नेचर के। ये इधर बालकनी है सामने, नहीं ये ठीक है काफी, रिस्की पीने के लिए नहीं ना, सोफे तीन है ठीक है, इसमें टेबल भी है। तो ऐसा कुछ व्यू है रूम का, बढ़िया रूम है अच्छा। ये दो दो सोफे लगे हुए हैं इधर, हीटर भी, हाँ जी हीटर भी दे रखे हैं, और ये छोटा सा वर्क स्टेशन टाइप में है। इधर एक कबर्ड है, ये अपना बाथरूम, शावर भी ठीक है, कंबल भी सब कुछ होगा।